हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आ रही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से TSAT PSAT परीक्षा 2021 में बड़ा बदलाव हो गया है और इसके संबंध में ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ गया है। तो क्या है इस नोटिस में, मैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा आसान भाषा में। साथ ही साथ एग्जाम सेंटर को लेकर जो बवाल मचा हुआ उस पर हम लोग बात करेंगे और कहाँ कहाँ सेंटर बना है, किस किस जिले में, लिस्ट पूरी आ गई है। तो एक एक करके हम लोग अपडेट को सभी कवर कर लेंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहली नोटिस जो आप यहां देख रहे हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको ये नोटिस हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कॉमेंट में दिया गया है। ये दोस्तों शुद्धि पत्र जारी किया गया है। आपको पता ही होगा कि ये जो TSAT PSAT की भर्ती है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सिविल अपील संख्या 8300/2016 संजय सिंह के केस में दाखिल मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर इतना में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 28/6/2021 को आदेश कुछ दिया गया है इस भर्ती से संबंधित। ये जो आदेश है दोस्तों यहाँ पर पूरा लिखा गया है इंग्लिश में और उसी के नीचे यहाँ पर हिंदी में भी लिखा गया है, आप जिस भी भाषा में कंफर्टेबल हों आप पढ़ सकते हैं। ये दोस्तों जो आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का ये तदर्थ शिक्षकों के भारांक से संबंधित है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो 15 मार्च 2021 को जारी किया गया था उसमें कुछ संशोधन यहां पर कर दिया गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पैरा नंबर 1.9 में ये लिखा गया था कि तदर्थ शिक्षकों का जो भारांक है वो उनके सेवा काल के आधार पर दिया जाएगा और सेवा काल की गिनती कैसे होगी, तो वो ऐसे होगा कि वेतन भुगतान होने के दिनांक से लेकर ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है इसके बीच में जितना समय होगा ये सेवा काल माना जाएगा। और इसमें परिवर्तन कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, पहली वेतन से नहीं बल्कि नियुक्ति के दिनांक से और आवेदन की लास्ट डेट जो है उस जो ये बीच में समय है इस समय को सेवा काल माना जाएगा और इसके आधार पर तदर्थ शिक्षकों को भारांक दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अब इससे बहुत सारे तदर्थ शिक्षकों को फायदा होगा, सबको नहीं लेकिन बहुत सारे ऐसे तदर्थ शिक्षक हैं जिनकी ज्वाइनिंग तो पहले हो गई थी लेकिन उनका जो पहला वेतन था वो 1 साल 2 साल या 3 साल के बाद रिलीज हुआ था। तो ऐसे शिक्षकों को, ऐसे तदर्थ शिक्षकों को भारांक में ज़्यादा फायदा मिलेगा। जो मैक्सिमम भारांक है वो तो फिक्स है, उससे अधिक किसी को नहीं मिलेगा लेकिन कुछ तदर्थ शिक्षकों को तो 100% इस आदेश से फायदा होने वाला है। तो ये एक बड़ी अपडेट थी जो कि आ गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और ये नोटिस डाल दिया गया है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आप लोग दोस्तों तैयारी में लग जाइए। बहुत सारे छात्र ये कह रहे हैं कि तदर्थ शिक्षकों के पद इस भर्ती में जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, तो ऑफिशियली कहीं नहीं बताया गया है कि कितने पद हैं, जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, लेकिन छात्रों ने जब प्रदर्शन किया था, कई बार छात्र पहुंचे, ज्ञापन सौंपा गया, तो मौखिक रूप से आश्वासन दिया गया है कि तदर्थ शिक्षक अगर चयनित नहीं हो पाता है तो उनके पद पर जो सामान्य अभ्यर्थी है उसका चयन हो जाएगा। अब इसमें देखना होगा फाइनली क्या होता है, फिलहाल जितने पदों पर भर्ती आई है उतना तो भरा जाएगा, उसके बाद क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। अब बात करते हैं TSAT PSAT 2021 परीक्षा सेंटर के बारे में। उससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि परीक्षा आपकी तय समय पर होगी, 7 और 8 अगस्त को TSAT 2021, 17 और 18 अगस्त को PSAT 2021 और TSAT 2016 बायोलॉजी वाले छात्रों की परीक्षा 31 जुलाई 2021 को करा ली जाएगी और सभी जिलों में परीक्षाएं ये होने वाली हैं। अब इसको लेकर बहुत सारे छात्र नाराज हैं। पहले खबर आई थी कि सिर्फ मुख्यालयों पर परीक्षा होगी लेकिन अब बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए चयन बोर्ड ने परीक्षा कराने का निर्णय लिया है, सभी 75 जिलों में ये परीक्षा होने जा रही है। टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए जिलों ने भेजा केंद्रों का ब्यौरा और उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में केंद्र बनने जा रहे हैं। इसको लेकर छात्र खासा नाराज हैं। टीजीटी पीजीटी परीक्षा मंडल स्तर पर कराने की मांग छात्रों ने की है। छात्रों की ये मांग है कि अगर ये सभी जिलों में परीक्षा होती है तो नकल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। छोटे छोटे जिलों में, गाँवों में जब ये परीक्षा होगी तो वहाँ पर नकल होगा क्योंकि बहुत बार पेपर उत्तर प्रदेश में आउट होते रहे हैं। जब सीटेट का पेपर आउट हो गया तो दूसरी परीक्षाओं की क्या बात है, कहीं भी पेपर आउट हो सकते हैं। टीजीटी पीजीटी परीक्षा मंडल स्तर पर कराने की मांग की जा रही है। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष को पत्र भेजकर मेल उन्होंने किया है और मेल में ये कहा है कि परीक्षा केंद्र सिर्फ और सिर्फ मंडल स्तर पर बनाया जाए। आशंका जताई जा रही है कि सभी जनपदों में अगर परीक्षा हुई तो प्रदेश में सक्रिय नकल माफिया गिरोह के लिए धांधली, पेपर लीक व साल्वरों के माध्यम से सेटिंग करना आसान हो जाएगा और अगर मंडल स्तर पर होगा तो सेटिंग करने में उन्हें दिक्कत होगी।
कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई जरूर है। अगर मंडल स्तर पर होगा तो गड़बड़ी करने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम रहेंगे, लेकिन ऐसा करने से सेंटरों की संख्या काफ़ी कम हो जाएगी। आवेदक लगभग 15 लाख हैं और मंडल स्तर पर परीक्षा करा पाना पॉसिबल नहीं है सिर्फ 2 दिनों में। कोरोना के गाइडलाइंस का भी फॉलो करना है और सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करना है, इसी वजह से परीक्षा सभी जिलों में कराई जा रही है। ये देखिए लिस्ट आ गई है और इसमें बताया गया है कि किस जिले में कितने बच्चे हैं और किस जिले में कितने सेंटर बनाए जा रहे हैं। आगरा में आप यहां देखेंगे टोटल एप्लीकेशन प्लस 15% एक्स्ट्रा यहां पर लेकर चला जा रहा है, तो यहां पर आप देखेंगे संख्या दी गई है। आगरा में 33 स्कूल सेंटर बनाए जाएंगे, 16,000 से अधिक छात्रों की व्यवस्था यहां पर होगी परीक्षा कराने की। इसी तरह से सभी जिले आप यहां पर देख पाएंगे, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में सेंटर बनने जा रहा है। तो दोस्तों आपको किसी भी नेगेटिविटी के चक्कर में नहीं पड़ना है, जो होना है वो होगा, परीक्षा तय समय पर होगी और सभी जिलों में होगी। आप लोग फोकस करिए अपनी पढ़ाई पर, क्योंकि गड़बड़ी अगर गांव में हो सकती है तो मंडल स्तर पर भी हो सकती है। वैसे चांसेस कम हैं लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है। बीएड की प्रवेश परीक्षा भी उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में होने जा रहा है, वहां पर कोई बवाल नहीं है। टीजीटी पीजीटी में ही सब प्रॉब्लम क्यों आती है, यहीं पर क्यों सारा बवाल होता है, ये भी आपको समझने की ज़रूरत है। और अगर दबाव ज़्यादा बना, अगर इसमें कुछ बदलाव हुआ तो फिर एग्ज़ाम के डेट में भी बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ 2 दिनों में मंडल स्तर पर परीक्षा करा पाना संभव नहीं होगा। फिर यहाँ पर डेट बढ़ेगी और पूरा शेड्यूल गड़बड़ाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े रहिएगा, सभी जिलों में ये परीक्षा होने जा रही है। अगर आपकी तैयारी बेहतर रही तो आप एक सीट जरूर लेकर आएंगे, ये हमें पूरी पूरी उम्मीद है। और सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि परीक्षा शहर में हो या गांव में हो, नकल विहीन होना चाहिए। इसको लेकर सरकार को पूरी पूरी इस बार कोशिश करनी है। और चुनावों का समय है दोस्तों, सरकार कहीं से भी कोई गलती नहीं करना चाहेगी। और ऐसा नहीं है कि तदर्थ शिक्षकों का इतना ज़्यादा प्रेशर है कि सरकार उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी। गड़बड़ी होगी तो सरकार एक्शन जरूर लेगी। तदर्थ शिक्षकों की संख्या कम है, फ्रेशर की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो सरकार भी फ्रेशर का ही साथ देगी। गड़बड़ी में तो कभी भी साथ नहीं देगी ये सरकार तदर्थ शिक्षकों का। तो मोटिवेट रहिए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।